क्या बैटिंग की है अय्यर ने, आज कैप्टन ना खेली है जैसे कि वो भी विराट कोहली की तरह। पूरे आईपीएल में अभी तक उन्होंने वो अपना टच नहीं था दिखाया जो कि टिपिकल एक अय्यर इनिंग नहीं होती, अभी तक वो नहीं थी खेली, लेकिन आज उन्होंने 88 रन स्कोर किए हैं वो भी सिर्फ 38 बॉल्स के ऊपर। और आउटस्टैंडिंग, मैं कहता हूँ आज का दिन अय्यर के नाम है, विराट कोहली से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग इनिंग उन्होंने खेली है आज। और मैं बेसिकली बड़ा खुश हूँ क्योंकि जब कोई यंगस्टर परफॉर्म करता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि विराट कोहली तो आपको पता है कि उसने किसी ना किसी इनिंग में चलना ही चलना था, लेकिन अय्यर का शुमार एक यंगस्टर में होता है। अभी इंडियन टीम में आए हैं, अभी इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर तो विराट कोहली खेला, चौथे नंबर के ऊपर अपनी जगह अभी पक्की करने में कामयाब हुए थे, क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे थे चौथे नंबर के ऊपर आगे। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ जी अय्यर की इनिंग देख के आज, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि अय्यर ने हर किस्म की शॉट्स लगाई हैं। 360 अगर आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल कवर किया 360, हर किस्म की वो शॉट्स खेलते हैं और बड़े निडर होकर शॉट्स मारते हैं, चाहे आपने फास्ट बॉलर लगाया हो चाहे आपने स्पिनर लगाया हो, सबको एक तरह का खेलते हैं। ये नहीं कि वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं या फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, वो सबकी धुलाई करते हैं। जब धुलाई करने पर आते हैं तो फिर वो सबकी धुलाई करते हैं। तो आज बड़ा मज़ा आया जी अय्यर की इनिंग देखने का, आई होप इसी तरह ही परफॉर्म करते रहे। अब उन्होंने जो इनिंग खेली है उनकी टीम को ये मैच जितवा दे। पृथ्वी शॉ ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, बहुत मज़ा आया जी अय्यर की इनिंग देखने का, आई होप आपको भी मज़ा आएगा। मज़ा आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में अय्यर जरूर लिखना, क्योंकि इनिंग देख के मज़ा तो बड़ा आया ना।